नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त, आपका एस्ट्रोलॉजर भाई गिरीश शर्मा, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। दोस्तों, जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी पुराने मेरे व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल में जो भी व्यूज़ देखते हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, उसको आप लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ शेयर करें जो भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है। दोस्तों, ये एक निशुल्क चैनल है पूरी तरह से, उसमें हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बातें शेयर करेंगे आपसे। दोस्तों, आपने मेरे दो चैनल पहले के देखे होंगे, उसमें फर्स्ट में हमने बताया कि सूर्य ग्रह का हमारे जीवन में प्रभाव, और दूसरा हमने बताया चंद्र ग्रह का हमारे जीवन में प्रभाव। तो अब दोस्तों हम तीसरा लेके आए हैं जो कि है मंगल ग्रह का हमारे जीवन में प्रभाव। दोस्तों, अगर आप डे वाइज भी शुरू करें ना, तो हम सबसे पहले संडे पे गए जो कि सूर्य ग्रह, फिर हम मंडे पे आए जो कि चंद्र ग्रह, और तीसरा हम मंगलवार पे आए हैं जो कि मंगल ग्रह। तो सबसे पहले मंगल देव को मैं नमन करता हूँ। देखिए, मंगल ग्रह जो है ये बहुत ही पावरफुल ग्रह है, और मंगल ग्रह को हम सेनापति का भी एक दर्जा दिया जाता है इनको। ये भगवान शिव के पुत्र हैं मंगल देव, और बहुत ही पावरफुल देवता हैं, बहुत ही पावरफुल ग्रह हैं ये। देखिए, जितने भी नवरत्न हैं ना, जो नवग्रह हैं जितने भी, उसमें से मंगल देव का एनर्जी में सबसे टॉप पे स्थान माना जाता है इनका। जहाँ एनर्जी की बात आती है वहाँ मंगल देव रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। अब आप ये कहेंगी, इसको इंग्लिश में मार्स भी कहते हैं। देखिए, मंगल देव को मार्स कहते हैं इसको, तो जो आपने फिल्म भी बनी है एक, आपने देखा होगा, तो मार्स ग्रह पे, मंगल ग्रह पे, तो जो उसका कलाकार था फिल्म का, उसमें भी मंगल भारी था उसके, तो उसने बाद में उसने मंगल पे अपनी इंडिया ने अपना वो भेजा जान। और देखिए, जो पूरा फिल्म का एपिसोड था ना, आपने देखा होगा, पूरी फिल्म एनर्जी से भरी हुई थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मंगल से कनेक्ट हो गई थी। तो ये सबसे बड़ी खास बात है। आज मैं देखी कपड़े भी आज रेड कलर के पहन के हैं, जो कि मंगल देव को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी बॉडी के अंदर भी आप देखिए तो अपनी बॉडी में मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है ब्लड, क्योंकि ब्लड के फ्लो से ही सब कुछ होता है। अगर ब्लड का फ्लो नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ब्लड का फ्लो रुक जाए कुछ सेकेंड के लिए तो हम खत्म। कहते हैं ना, शरीर वो अंग बेकार हो जाता है जिसमें बॉडी, जिस अंग में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। अगर ब्रेन में आपके कुछ समय के लिए भी ब्लड नहीं पहुंचे, ब्लड का फ्लो नहीं हो, तो आपका ब्रेन खराब। हार्ट में नहीं पहुंचे तो हार्ट खराब। तो जैसे उसी तरह इस ज्योतिष शास्त्र के अंदर मंगल ग्रह का बहुत ज़बरदस्त पावर है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि देखिए, जिनके पास कुंडली है उनका तो आसानी से पता लगा जा सकता है कि ये मंगल ग्रह इनका नीच का है, उच्च का है, या मंगल ग्रह पे कोई मैलेफिक प्लेनेट की दृष्टि है, या मंगल ग्रह बहुत अच्छा है। जिनके घर में मंगल काम होते रहते हैं ना, समझ जाइए उनका मंगल ग्रह बहुत अच्छा है। और जिनके घर में बरसों से कोई मंगल काम नहीं होता है ना, सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूँ, जिनके घर में बरसों से कोई मंगल काम नहीं हो पाता ना, जो तरस जाते हैं मंगल काम के लिए, उनका समझ जाओ मंगल बड़ा ख़राब है। एक और पहचान है, अगर मंगल खराब है ना, तो आदमी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ता है, वो बहाने ढूंढता है लड़ने के। अगर उसका मंगल खराब है तो उसके झगड़े होते रहते हैं अक्सर, टाइम टू टाइम सब लोगों से। ऐसे लोगों को नमस्कार कहना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए जो मिनट मिनट में झड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि अपने बस की भी नहीं है आम इंसान के कि पूरे दिन झगड़ते रहें। पर उनको मजा आता है, जिनका मंगल खराब है उनको मजा आता है झगड़ने में। वहीं जिनका मंगल अच्छा है वो बहुत टॉप लेवल के फौज में, बहुत टॉप लेवल के जनरल, ब्रिगेडियर, इस लेवल के पोस्ट पे होंगे, या अगर कोई नेता भी होगा, या अगर कोई आईएएस आरएएस भी होगा, तो दबंग पावरफुल नेचर का होगा वो बंदा, बहुत ही दबंग होगा।
वो दबंग था पहचाने मंगल मंगल की। ऐसे लोग लाइफ में बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल होते हैं जिनका मंगल ग्रह अच्छा होता है, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है उनको, भूमि भवन आदि का सुख मिलता है उनको बहुत शानदार। और मतलब क्या कहें आपको, उनका साहस देखने लायक होता है जिनका मंगल अच्छा होता है, इतना जबरदस्त साहस होता है, वीर होते हैं हमारे जितने भी वीर हैं हमारे भारतवर्ष के पुराने, आप उठा के देख लीजिए उनकी कुंडली में, उनकी कुंडली में आपको मंगल ग्रह बहुत शानदार मिलेगा, बहुत वेल प्लेस्ड मिलेगा मंगल। और डेफिनेटली देखिए हमारे सेना के भाई लोग हैं, सेना में जितने भी हमारे सेना के जवान हैं जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, सबका मंगल अच्छा मिलेगा। देखिए ये ज्योतिष शास्त्र ऐसी चीज है, जरूरी नहीं है कि कुंडली में जिसका लिखा हो मंगल उसका पूरी जिंदगी खराब रहे, मंगल खराब है। देखिए आपके कर्मों से, आपके कर्मों से, आपके जाने अनजाने में किए हुए उपायों से, कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि आपके मंगल को अच्छा कर देती है। परिवार में देखें तो आपके जो भाई हैं वो आप मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपके भाइयों से रिलेशन खराब है तो भी समझ जाइए आप मंगल में गड़बड़ी है कुछ कुछ। अगर आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, मतलब यार कुछ गलत हो रहा है उसको देख के तो हर आदमी में गुस्सा आता है ना, अगर आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, आप में एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो भी आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं मंगल में कमी है, मंगल ग्रह में आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब साहब क्वेश्चन ये आता है कि साहब हमारे पास तो कुंडली नहीं है, हमारे पास तो टाइम भी नहीं है, बर्थ का टाइम भी नहीं है, हम क्या करें, हम कैसे करें, तो हम क्या जिंदगी भर हम अपने मंगल को कमजोर रखेंगे, हम अपने मंगल को उच्च नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते साहब, जरूर कर सकते हैं, क्या करें उसके लिए, बहुत ही सिंपल यूनिवर्सल उपाय है, बहुत ही सिंपल और यूनिवर्सल उपाय है, मंगल देव को खुश करने के लिए हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें सुबह और शाम। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइए, वहां बैठ के हनुमान चालीसा करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। देखिए तुरंत प्रभाव से कुछ भी नहीं होता है, हर चीज के रिजल्ट मिलते हैं, पर आप स्टार्ट तो कीजिए। ज्योतिष शास्त्र में हर चीज का रिजल्ट 45 डेज के बाद आना शुरू होता है, ये बोला गया है हमारे में लिखा हुआ है ये शास्त्रों में कि कुछ भी आप मंत्र जाप करते हैं कुछ भी करते हैं 45 दिन के बाद वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है, उसका असर धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा मंगल ग्रह का एक और अच्छा उपाय बताता हूँ आपको, मंगल देव का एक मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, आपको शुरू करना है ये जाप, एक माला का जाप डेली करना है। जिनके बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही हो, मंगल ग्रह से रिलेटेड जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अगर परेशान हो रहे हो, तो वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए मंत्र सर्वदा अच्छे परिणाम देते हैं, मंत्र के साथ खास बात यह है अगर आपका मंगल खराब है तो भी अच्छा हो जाता है, और अच्छा है तो और अच्छा हो जाता है। मतलब मंत्र एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा वो है, स्पेशली आपको मैं मंगल के बारे में तो बताऊं कि मंगल इज़ एनर्जी, तो मंगल के लिए अगर आप मंत्र का यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। देखिए मंगल देव बहुत जल्दी खुश होते हैं मंत्र वालों से, और साथ ही साथ मैं तो बताऊं आप अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलेंगे आपको, अनबिलीवेबल मिलेंगे अगर आप आपका मंत्र करते हैं ना डेली आप मंगलदेव का, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं ऐसे जिनको इस मंगलदेव के मंत्र के द्वारा बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। पूर्व की दिशा में बैठ के आपको करना है मंत्र, अच्छा आसन ले लेना है लाल कलर का, उसमें बैठ के अगर आप देखिए, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मंत्र जप नहीं पाते है ना, तो कोई बात नहीं, आप YouTube पे चले जाइए
और मंगल देव के बीज मंत्र का कोई वीडियो होगा उसको सुन लीजिए आप, सिर्फ 108 नाम का, बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उसको चला के बैठ जाइए, उसको सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, आपको एक चीज़ बताऊँ, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खास बात क्या है, यहाँ पे आपका विश्वास है ना वो पक्का होना चाहिए, तब रिजल्ट आता है। क्योंकि देवी देवता सब कुछ जानते हैं, वो आपके विश्वास को अगर रखते हैं, उन्हें लग गया ना ये बंदा विश्वास से कर रहा है काम, इसको रियल में नीड है, इसकी मेरी रियल में नीड है, मैं इस पर कृपा करूँगा क्योंकि ये रियल में इस काबिल है बंदा, तो प्रभु जरूर कृपा करते हैं उस पर। और आपको बताया बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, तो मंगल, मतलब क्या कहें, शब्द नहीं है मेरे, वो तो मंगलकारी हैं, उनका हनुमान चालीसा डेली पाठ करने में क्या दिक्कत है, आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी हो, तो आप कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो उसका एनालिसिस, उसका आपको उपाय चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, मेरा मेल आईडी दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपके प्रॉब्लम्स का आंसर ज़रूर दूंगा, सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। देखिए मेरा मकसद है कि अपनी नॉलेज को शेयर करना और उन लोगों तक पहुँचाना जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, और मेरा हमेशा से मकसद रहा है कि मैं मिनिमम खर्चे में, मतलब फ्री में कोशिश करता हूँ सामने वाले का प्रॉब्लम को सोल्व करने का। क्योंकि तो देखिए रत्न वगैरह जो ये बहुत महंगे आते हैं, हर इंसान को अफोर्ड नहीं कर पाता, जो अफोर्ड कर सकता है वो पहनिए, इसमें कोई शक नहीं है, बट बिना कुंडली एनालिसिस कुछ भी नहीं पहने, देखिए नहीं तो पूरा काम गड़बड़ हो जाता है। फिर लोग हमारे पास आते हैं, साहब मैंने मूंगा पहन रखा है, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुंडली में देखा तो पता चला वो घर ऐसी जगह प्लेस्ड है मंगल कि वहाँ उसको रिजल्ट क्या मिलेगा, वो तो उल्टा उल्टा काम कर रहा है उसका। तो ऐसा कभी भी ना करें।